सो हेलो एवरीवन, वेलकम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। सो मैं सनी मोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों अभी पीडीआई के जबरदस्त बेहतरीन मंच पे। सो आपको पता है थोड़े से दिन रह गए एग्जाम के, अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो अभी पीडीआई की तरफ से बहुत बढ़िया सेशन आएंगे अब आपके लिए, किसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और सी सेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल भी हल्के में लेना। बिकॉज बच्चे करते क्या हैं, तैयारियों में लगे रहते हैं, बट सी सेट को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट कभी भी इसको नहीं करना, बिकॉज ये पहला पड़ाव है आपके आगे के लिए। क्लियर आगे बात। सो प्लीज 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 जो मैं क्वेश्चन कराऊं, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं, उनको इंपॉर्टेंट वे में नोट कीजिए, जो ना समझ आए कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। यही एक तरीका है सक्सेस पाने का। और दूसरा क्या है, दूसरा मूल मंत्र है हमारा माइक्रो कोर्सेस। इसमें आपको पूरा कोर्स नहीं परचेज करना बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको उसी कोर्स का पे करना है जिसका आपको टॉपिक चाहिए, या जैसे परसेंटेज आज हम करेंगे। अगर परसेंटेज नहीं समझ आई या कुछ प्रॉब्लम है, तो परसेंटेज का आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, पूरे कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। क्लियर है? तो एक न्यू वे ऑफ लर्निंग है बाय अभिपीडिया। क्लियर? सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलो बच्चों करते हैं, आज शुरू करते हैं परसेंटेज। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे पास। पहला क्वेश्चन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स आर। लुक स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। सो इट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इस तरीके से तीन चार क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आता है कंपेयरिंग ऑफ टू मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स, यानी एक के मार्क्स दिए होंगे, दूसरे के पूछे होंगे, दूसरे के दिए होंगे, पहले के पूछे होंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा मेरे पास, इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर? देखिए, अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। इट मीन्स वी हैव, अगर मैं एक लाइन खींच लूँ, ये मेरे पास मिनिमम मार्क्स है, ये मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स है। क्लियर? द क्वेश्चन इज सेइंग अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। क्लियर? तो ये 0% हो गया मिनिमम, और हमेशा मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास कितना होता है, 100%। देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पासिंग मार्क्स है, विच आर माई 33% मार्क्स, दीज आर माई पासिंग मार्क्स। ओके, क्लियर? दीज आर माई पासिंग मार्क्स। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स। इसका मतलब जो स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स आए हैं, मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट है उसके 125 मार्क्स आए हैं, और कितने मार्क्स कम है पासिंग मार्क्स से, 40 मार्क्स। इज दैट क्लियर? तो पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स कम है बच्चों, 40 मार्क्स कम है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, हाउ मच पासिंग मार्क्स वी हैव। सो पासिंग मार्क्स कितने हैं मेरे पास, प्लस 40, यानी कितना हो गया, 165। अब एक बात ध्यान से सुनिए, कुछ चीजें इक्वलेंट होती है, इसका मतलब कुछ चीज परसेंटेज में होगी और कुछ चीज क्या होगी आपके पास, मार्क्स में होगी या रुपीज में भी कल को दे सकते हैं अगर क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्क्स मेरे पास, मार्क्स कितने हैं 165, बट परसेंटेज भी कितने बच्चों, 33। तो मैं क्या कह सकता हूं, 33% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू कितना है, 165। तो 1% ऑफ टोटल मार्क्स टीएम बोल रहा हूं इसको मैं, कितने होंगे, 165 डिवाइडेड बाय 33। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 5 टाइम्स गया। तो अगर 1% की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या है, 5 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%, इट हैज टू बी 500। वेरी इजी। क्लियर? दूसरे देखो, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आपसे क्या पुट अप किया जा सकता है, व्हाट आर द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने होंगे आपके पास, पासिंग मार्क्स तो दिए हुए 125 प्लस 45। वो क्या बोलेगा कि आपके पास अगर कल को कोई दूसरा पर्सन दिया हो कि उसके भाई इतने परसेंट है, जब मान लो 60% है कि एक बच्चा, तो उसके 60%, तो बताओ उसके मार्क्स कितने। तो आप कैसे बोलोगे, 60% की वैल्यू कितनी आएगी, 16 × 5 यानी कितना। तो वेरियस वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक परसेंटेज देके दूसरे के मार्क्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप वो इजीली आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट अस
मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्राई वंस, ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। चलिए भाई देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, एक ट्रेडिशनल वे से, एक आपको मैं करके दिखाऊंगा मेरा परसेंटेज वाला रेशो मेथड से। क्लियर है? द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, देन इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी। वो कह रहा है एक बार आपने क्या किया, किसी किताब के मूल्य में 25% का घाटा कर दिया, फिर क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया गया, तो बताओ नेट चेंज यानी अल्टीमेटली आपको कितना फायदा या नुकसान हुआ इस पूरे वे में, वो आपने बताना है, नेट चेंज। क्लियर? देखो मैंने माना कि भाई मेरे पास 100 रुपये की किताब थी, ठीक है, पहले आपने क्या किया, इसको 25% घटा दिया, तो 100 का 25% कितना होगा भाई, -25, तो ये कितना होगा, 75 हो गया। अब क्या किया, देन इंक्रीज बाय 20%, इसका 20% बढ़ा दिया गया, यानी जो चीज 75 की थी, 75 का 20/100 यानी 20% लगा हटा के मैं लगाऊंगा 100, तो 1/5, तो ये कितना हो गया 15। इसका मतलब अब आपने क्या किया है, इसको 15 से बढ़ाया है, तो कितना हो गया 90। इसका मतलब बेटा जो चीज 100 की थी आपने 90 की बेच दी, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो गया, आप कहोगे सर सीधा सीधा 10। ऑप्शन तो आ गया मेरे पास है, बट इज दिस मेथड इज रेलेवेंट, क्या ये मेथड ठीक रहेगा एग्जाम के लिए, बिकॉज अगर कल को मैंने ये परसेंटेज थोड़ी सी छेड़छाड़ की, मैं अगर एग्जामिनर हूँ ना, पेपर सेट करो, मैं डेफिनेटली छेड़छाड़ करूंगा, मैं इतना आसान प्रश्न नहीं दूंगा आपको, इतने आसानी से आपको अफसर नहीं बनने देना, मैंने मेहनत करवाऊंगा पूरी की पूरी। तो देखो मैंने क्या बोला, इसकी जगह अगर मैं बोलता हूँ 16/3%, इसकी जगह मैं बोलता हूँ 12/1/2%, या कुछ भी और भी मैं दे दूंगा आपको, तो अब यहाँ पे आप 100 से तो 116 2/3 कर लोगे, यानी पहली बार में 100 से तो आप बोल दोगे भाई 116 2/3, बट इसका 12.5 निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो अब मैं आपको एक बेहतरीन मेथड बताने वाला हूँ, विच इज अवर रेशो मेथड टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और बड़ा इजी सा है। देखो क्या है इसमें, इसमें क्या होएगा, मैंने बोला एक ओरिजिनल प्राइस है मेरे पास, एक फाइनल प्राइस है, पहला क्या करा है 25% डिक्रीमेंट, यानी 25% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/4, ठीक है, जो ब्लू वाला वो अलग मेथड है, जो आपका रेड पिंक वाला है अलग मेथड है, यानी जो 4 रुपये की चीज़ थी वो कितने की बेच दी होगी, 3 की पहला, दूसरा कितना है भाई इंक्रीज बाय 20%, तो 20% का मतलब कितना हो, 1/5, यानी जो 5 की चीज़ थी वो कितने की होगी, 6 की, इसका मतलब मल्टीप्लाई करो 5 × 20, 6 × 18, यानी जो 10 रुपये की चीज़ थी वो कितने की बिकी भाई, 9 रुपये की, या जिसका प्राइस 10 रुपये था अब कितना हो चुका है, 9, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, 1 का डिक्रीमेंट कितने पे, हमेशा इनिशियल पे इनटू ऑफ 100%, तो आंसर कितना आ गया मेरा 10%। दैट इज द फाइनेस ऑफ फाइनेंस मेथड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि 2-3 परसेंटेज दी हूँ, डील करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। सो प्लीज़, और माइक्रो कोर्स में भी सब ऐसे ही बताया गया है कि आसानी से इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, बिल्कुल प्यार से बताया गया, जब करेंगे तो बहुत मजा आने वाला आपको। क्लियर है? चलिए इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम परसेंटेज चैप्टर। सो अब देखो इसको अगर आप वेरिएबल लेके करने की सोच रहे हो ना, एक्स वाई जेड, हमेशा नुकसान होगा, भला कभी भी नहीं होगा, टाइम ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम है वो पूरी तरीके से। अब हाउ टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, फ्रेश फ्रूट कंटेंट 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेंट 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉन्स्टेंट चीज, एक होती है चेंज जो होगा। सपोज करो मैंने पहले लिया फ्रेश फ्रूट, मैंने बोला भाई वो भी क्वांटिटी में कितना है मेरे पास 100%, ठीक है, फ्रेश फ्रूट कंटेंट 68% वाटर, तो अगर मैं इसकी बात करूं इसमें वाटर है कुछ, वो कितना है मेरे पास 68%, इसका मतलब 100 में से 68% बचा या पानी हुआ, तो बचा वो 32% मेरे पास क्या होगा, छिलका टाइप कुछ होगा, बिकॉज मेन कंटेंट तो यही है आपका जो जूस होगा, ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास पल्प। पल्प क्या होता है, सपोज करो जूस जूस निकालते हैं भाई, जो है बच जाता है ना,
उसी को मैं पल्प बोलता हूँ, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, फ्रेश फ्रूट आ गया, नेक्स्ट इज माई ड्राई फ्रूट। देखो ये भी बच्चों अपने आप में 100% होगा, बिल्कुल होगा। अब हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी कुछ वाटर है, 20% है, और डेफिनेटली इसमें भी क्या होगा, जो 80% होगा वो क्या होगा, आपका पल्प। ट्वेंटी परसेंट वाटर और 80% पल्प। अब मुझे एक बात दाओ, ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज नहीं हो रही। देखो जब भी आप, जैसे अब मेरे पास ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज को जब आप ओपन अप करोगे ना, तो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इनमें जूस होता है, हमेशा इवेपोरेट क्या होगा, मेरे पास स्किन कभी इवेपोरेट नहीं होती, या आप जिसे पल्प कह रहे हो, हमेशा इवेपोरेशन होती है लिक्विड पार्ट की या जूस की, ठीक है। तो कभी भी जो नो चेंज की कंडीशन होगी ना, वो किस पे होगी, पल्प, नो चेंज, और आप कह सकते हो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नो चेंज, और क्या होगा आपके पास, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए, फ्रेश फ्रूट कितना दिया है भाई, 100 kg, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, तो भाई ये कितना होगा, 68 kg, और ये कितना होगा मेरे पास, 32 kg, 68 kg एंड 32 kg। इसका मतलब जो प्रोडक्ट यहां पे 32 kg है, क्या वो यहां पे 32 kg होगा, बिल्कुल होगा। जो यहां पे 32 kg है वो यहां पे भी क्या होगा बच्चों, मेरे पास 32 kg होगा। इसका मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, द वैल्यू ऑफ 80% इज हाउ मच, 32 kg। सो मुझे निकालने भाई 100% की वैल्यू, तो इसे काट दो, 4 यूनिट की वैल्यू दी है, 5 की निकालनी है, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, और ये भी कितना हो गया, 8×5 कितना हो गया, 40 kg। या आप इसको, आपको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि 1% की वैल्यू निकालो कितना आ गया, 32/80, या आप ऐसे भी कर सकते हो 1% की वैल्यू कितना आ गया, 32/80, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, 100%, तो परसेंट टान दो, 4×5, 4×8=32, और 8×5 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 40 इज द राइट आंसर। तो दीज आर सम यूनिक वे टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो इज दैट क्लियर। सो काफ़ी अच्छा प्रश्न था, प्लीज़ इसको नोट कीजिए, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें बेटा, ठीक है, क्योंकि ये एक न्यू वे ऑफ लर्निंग है आपके लिए। पहले ही बता रहा हूँ, वेरिएबल लेके करने की कोशिश भी मत करो, बिकॉज वो एक क्या आउटडेटेड से मेथड है, और वहाँ पे अगर इक्वेशन बड़ी बड़ी आएंगे तो बेटा फंसने का बहुत कारण होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो मज़ा भी आएगा, एक जज्बा आएगा कि नई चीज़ें करनी है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्लीज़ करिए इस क्वेश्चन को, जरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। पहले आप लीजिए 10-15 सेकंड, फिर मैं आपसे बात करूंगा, प्लीज। चलिए, इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, कि इसका मतलब कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर का 75% मैंने 75 में जोड़ दिया, 75 इज अ नंबर, और किसी नंबर का 75% उसमें जोड़ दिया, तो रिजल्ट क्या हुआ, वो नंबर मेरे पास अवतार हो गया, अवतरित हो गया वो नंबर, है ना, कि वो नंबर भी प्रकट हो गया मेरे पास। तो आपको नंबर बताना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। देखो मैंने माना, लेट नंबर इज इक्वल टू पी, मैंने पी मान लिया उस नंबर को, ठीक है, नंबर को क्या मान लिया मैंने, पी मान लिया। वो क्या कह रहा है कि इसका 75% यानी 75% ऑफ पी अगर मैं 75 में जोड़ूं, या इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए कि मैंने क्या किया, 75 में क्या जोड़ा, 75% ऑफ पी, तो पी मेरे पास खुद आ गया, इजंट इट, यस और क्लियर। तो देखो मेरे पास एक्चुअली क्या है, 75 प्लस 75/100 ऑफ पी इज इक्वल टू 25 3 25 4, सो 75 प्लस 3/4 पी
इज इक्वल टू पी। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास, 75 इज इक्वल टू पी माइनस ऑफ 3 बाय 4 पी। तो इसका आपने जब एलसीएम लिया 4 आया, ये कितना आ गया 4 पी माइनस ऑफ 3 पी। क्लियर? तो 75 इज इक्वल टू पी बाय, तो पी कितना हो गया मेरे पास, 75 इंटू 4 इज हाउ मच 300। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले नोट कर लो, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन। अच्छा नोट कर रहे हो ना, करो करो जल्दी नोट करो, 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं। देखो भाई नोट कर लिया होगा सबने। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इतना सब करना, 1 2 3 4 5 छवें स्टेप में मेरा आंसर निकला है, क्या जरूरी है? क्या जरूरी है खुद सोच के देखो, और क्यों जरूरी नहीं है ये भी सोच के देखो। ऐसा ही माइक्रोवर्स में बता रखा सारा, जैसे बताने वाला हूं। एक बात बताओ, मैं आपसे अगर सिंपल से एक बात पूछूं, अब क्या कर रहे हो किसी नंबर के 75% में, या किसी 75 नंबर में किसी नंबर का 75% जोड़ रहे हो तो पी आ रहा है, यही मतलब है। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि उस नंबर का 25% 25% ऑफ पी इज इक्वल टू 75। सोचे देखो, लॉजिकल, सिर्फ ही एक स्टेप है और आंसर मेरा आ गया, सिर्फ सिंगल स्टेप में, कि अगर किसी नंबर का 75% आपने यूज कर लिया तो कितना बचा, 25% ही तो बचा, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है देखो, ये कितना है, इसको परसेंटेज में लिखूं तो 100% होगा, 100% ऑफ पी, और ये कितना था, 75% ऑफ पी। तो लॉजिकली हुआ क्या, ये मेरे पास आएगा पी बाय 4, क्या मेरे पास 25% ऑफ पी नहीं आया? सो दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ अपीपीडिया, क्लियर? और माइक्रो कोर्स, माइक्रोवर्स या माइक्रो कोर्स और सेम थिंग, यही एक चीज है जो माइक्रो कोर्सेज में अच्छे से डिटेल में बताई गई है कि क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करना है। सो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिए और प्लीज़ ट्रायल लीजिए एक बार, उसका पसंद आए तो खरीदिए, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई करो इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। 405 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रंस इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट रिसीव्ड बाई ईच चिल्ड्रन इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव, बताओ, डिड ईच चाइल्ड रिसीव, बताइए। भाई हर बच्चे को कितनी मिठाई मिली होगी ये बताना आपने मेरे को, बताओ। चलो भाई देखें, देखो 405 स्वीट्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्वली अमंग चाइल्ड इन सच अ वे दैट ईच या नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो थोड़ी सी इंग्लिश है, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव। देखो मैंने माना, लेट, देखो उसने बोला है कि 405 स्वीट्स मैंने इक्वली की है, ठीक है, इक्वली अमंग चिल्ड्रन इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चिल्ड्रन इज, लेट नंबर ऑफ स्वीट्स, 405 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोलना चाहिए मुझे, इज इक्वल टू पी, यही बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि उसने क्या बोला, द स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 20% टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो मैंने मान लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी पी, लॉजिकल, मैंने चिल्ड्रन को ही माना क्योंकि 405 स्वीट्स दी है। अब मेरी बात सुनो, देखो अगर मैं यहां पे एक लाइन लिखूं, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, वो क्या होंगी, स्वीट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसका क्या मतलब है कि भाई एक बच्चे को जितनी टॉफी मिली है, स्वीट मिली, इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल तो ये होगा ना, टोटल कितना है मेरे पास, 405 स्वीट रिसीव्ड बाय ईच चिल्ड्रन, उसने क्या बोला, स्वीट रिसीव्ड बाय ईच चिल्ड्रन इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन,
यानी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने पी, तो 20% ऑफ पी इंटू टोटल चिल्ड्रन कितने भाई पी, समझ आ गई। ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था तो पजल नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हाई क्या हो गया, क्लियर आ गई बात। सो भाई कितना हुआ, 405 इज इक्वल टू 20/100 ऑफ पी इंटू पी, तो ये कितना होगा 20×5/100। सो व्हाट इज द वैल्यू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, देखो 405 को कैसे लिखूंगा मैं, 81 इंटू 5 और मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9² इंटू 5², तो उसको कैसे लिखूंगा 9 इंटू 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या स्क्वायर, सो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी आ गया मेरे पास 45। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्वीट्स डिड ईच चिल्ड्रन रिसीव, तो ईच चिल्ड्रन रिसीव कितने हैं 20% ऑफ पी, सो कितना आ गया 20/100 ऑफ कितना 45, तो 20×5/100 और 5 × 9 45, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर। सो बढ़िया मजा आया होगा इधर करके, तो देखो कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, बट उनको थोड़ा सा तसल्ली से देखो, मैंने पूरा टाइम लिया ना, मैंने आपको एक्चुअली अप्रोच, देखो मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको क्यों इतना आराम से बताया, बिकॉज मैंने वो अप्रोच बताई तो एग्जामिनेशन में होल में होनी चाहिए, कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैंने बड़े सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, मेरी हमेशा अप्रोच एक ही रहती थी कि मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं करने, मैं देखो 100 क्वेश्चन का अगर पेपर है ना, आप 80 करोगे तो इजीली पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, बट 100 के 100 के लिए जाओगे ना तो दिक्कत हो सकती है, करने में जो अटेम्प्टेशन पूरी होगी जब ही 80 कर पाओगे, बट कुछ क्वेश्चन स्किप भी किए जा सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करने से पहले सोचो एक बार क्या स्किप के लायक है, बिकॉज कुछ भी नहीं करना है इसमें, इजी सा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौरव स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन कन्वीनियंस एंड क्लोथ्स एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग, इफ द मंथली सैलरी इज 18400 18400 हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ। देखिए मैं आपको फिर वही बात जैसे पहला क्वेश्चन करवाया था, मैं आपको परसेंटेज बेस भी कराऊंगा और मैं आपको रेशो बेस भी कराऊंगा, ठीक है। देखो मेरे को क्या दिया, मैंने माना भाई 100% सैलरी थी, इसका 30% कहाँ गया फूड पे, तो कितना बचा 70%, 40% ऑफ रिमेनिंग मतलब इसका 40%, इस 7×28 -28 कर दो कितना आ गया 42, ठीक है 42 आ गया। अब उसने क्या किया, इसका 50% सेव कर लिया, इसका 50% यानी आधा कितना होगा 21 सेव कर लिया, ठीक है। इफ मंथली सैलरी इज तो 21 ही बचाऊंगा एंड में, ठीक है, तो अगर 21 सेव कर लिया तो 21 से तो बचा एंड क्लोथ एंड सेव 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो 21 से तो बचा, ठीक है 21 उसने सेव कर लिया, इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये 21 खर्च दिया होगा कहीं पे, हमें क्या पता है ना भाई, 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 184, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 21% की, 21 × 184, देखो करना कैसे है, 20+1 × 184, 4×2 = 8 = 36 प्लस 184 यानी 3680, आराम से करो कैलकुलेशन, कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं, तो 4 6 8 3 8 6 4 इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर। सो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, बट मैंने तो कहा था भाई एक तरीके से और करवाऊंगा, मैं तो ये भी बोल के गया था इसको एक तरीके से और करवाऊंगा, अब कैसे करवाऊंगा देखो जरा, इसको मैं कैसे करवाऊंगा, अब सुनो कल को वही वाली बात है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन में, ठीक है, होपफुली सेव कर ही लिया होगा आपने, लिख लिया होगा, थोड़ा सा मिटा दिया जाए यहाँ से इसको, चलो भाई देखो जरा, देखो सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, मैंने बोला गौरव स्पेंड 30% ऑफ इनकम ऑन फूड, मैंने बोला इनकम और सेविंग्स,
मैंने इनकम और सेविंग का रेशो बना लिया। 30% का मतलब कितना हुआ? देखो 30% का मतलब हुआ 3/10। क्या कर इनकम 10 थी, 3 गई तो कितनी बची? 7 बची। नंबर दो, 40% का मतलब कितना हुआ? 2/5। 5 इनकम थी तो 3 बचा। नंबर 3 पे क्या मेरे पास 50%, इसका मतलब तो 1/2। इसका मतलब 2 थी तो कितनी बची? यानी 10×50 × 2 100 आ गई इनकम शुरू की, और 7×3 = 21। साथ ही अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाई कि 100 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 18400। कितने टाइम्स? 184 टाइम्स। तो ये कितना हो गया? ये भी 184 टाइम्स हो गया। आंसर इज 3864 जो ऑप्शन नंबर है। क्लियर है? आप वैसे ऑप्शंस को भी क्रैक कर सकते हो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने लायक कुछ था ही नहीं। मुझे 21 के लिए उदाहरण देखो, 21 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 184 से। देखो 18×2 = 36। सपोज करो ये 20 है और 180 है, तो 18×2 = 36। ये जो आंसर है ना, 3600 के आसपास घूमेगा, 4000 से ऊपर तो जा नहीं सकता किसी भी हालत में। तो यार देखो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यही बचा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अबीपीडिया। और माइक्रोवर्स में भी, माइक्रो कोर्स में भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करके बताया गया बाय ऑप्शन। मैंने शुरू में क्यों नहीं बताया ऑप्शन वाला? बिकॉज यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। कि अगर ऑप्शन पास हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन पास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है इसमें इलेमिनेशन करने का। क्लियर है? तो यू कैन इलेमिनेट द ऑप्शन एज वेल। इज क्लियर? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। बताओ जरा कितने प्रतिशत हैं जो फेल हुए? बताओ बताओ शाबाश। बताना ही पड़ेगा। कितने कितने फेल हुए बताना ही पड़ेगा। देखो उसने क्या दिया, 1100 बॉयज हैं। और गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है अपने पास 700। क्लियर? 42% ऑफ बॉयज, अगर मैं बात करूं 42% ऑफ बॉयज, तो 44,440 11×22, तो ये कितना हो गया? 462 हो गया। अच्छा मनी मन में क्या सर कैलकुलेशन करके बताऊंगा भाई, धीरे धीरे चिंता मत करो, थोड़ा सा टाइम दो बस। एंड 30% ऑफ गर्ल्स, तो 7×21 यानी 210 गर्ल्स। द परसेंटेज ऑफ टोटल हु फेल्ड, ये क्या है भाई? है पास, ये पास हो गए, ये हो गए मेरे पास पास। तो पास कितने हो गए? 4×2 = 6, 6×7 = 600 + 72, तो 672 पास हो गए इसमें से। तो अगर टोटल मेरे पास 1800 है, फेल कितने हो गए? 672। तो भाई ये कितना बचा मेरे पास? हाँ जी 672। देखो 800 पे लेके जाओ और 28 आएगा तो 100 बन जाएगा, तो 1128 हो गए। सोचे देखो 1128 बच के। अब क्या करना है भाई? ये कौन से हैं जो फेल हुए हैं? ये क्या जो आपके पास फेल हुए? क्लियर? अब क्या कह रहा है वो कि भैया फेल की परसेंटेज निकाल दो। तो 1128 / 1800 × 100% फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, इजी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो 2000 से 2000 गए, देखो 3×6 = 18, 3×3 = 9, 22 बचा, 3×7 = 21, 3×6 = 18, तो ये कितने में गया? 3 पे ये कितना बचा? 188। तो कितना बचा? 188/3%, तो 3×6 = 18, 3×2 = 6, 2/3%, तो 62.2/3% ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो मैं कैलकुलेशन पर्टिकुलर इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है। मेरा काम यही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ आपको कैलकुलेशन पे भी काम करवाना, बिकॉज कैलकुलेटिव पेपर तो आना आपको ही पता है, ये मुझे भी पता है। 2+2 = 4 वाला काम तो होएगा नहीं। अब क्लियर है?
और इसी तरीके से माइक्रो कोर्सेज में भी हर चीज़ को डिटेल में बताया गया, जैसे मैं डिटेल में बता रहा हूँ। बिकॉज यार जब तक डिटेल में कोई चीज़ समझाई नहीं जाएगी, खिली जाएगी ना, वो हमेशा अधूरी होगी। तो प्लीज़ माइक्रो कोर्सेज को देखिए, फोकस कीजिए, इट विल पे, इट इज़ अ न्यू वे ऑफ लर्निंग बाय अभिपीडिया। क्लियर? चलिए आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज। चलिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाला हमारा, प्लीज ट्राई कीजिए इसको। चलिए, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150% एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 350%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 25/51। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? देखिए, मैंने माना लेट द फ्रैक्शन में पी अपॉन क्यू, मैंने मान लिया भाई शुरू में मेरी जो फ्रैक्शन थी पी अपॉन क्यू थी, उसने क्या बोला, इफ न्यूमिनेटर यानी पी ए न्यूमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है आंसर, यानी पी को कितना बढ़ा दिया, 150% ऑफ पी कर दिया, और क्यू के साथ क्या खेल खेला भाई, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 350%, क्यू प्लस 350% ऑफ क्यू, छोटे वाला क्यू लिया तो ये लेंगे, और ये कितना आ गया मेरे पास 25/51। सो ये कितना होगा, देखो P प्लस 150/100 पी अपॉन क्यू प्लस 350/100 क्यू इज इक्वल टू 25/51। इज दैट क्लियर? इजंट इट? अब देखो जरा, अगर इसको मैं काट टू पिट टू तो ये कितना रह गया मेरे पास, P प्लस 1.5 पी अपॉन क्यू प्लस सॉरी जीरो कटेगा, ये कितना बचा 3.5 क्यू इज इक्वल टू 25/, देखो फालतू मत हटाओ, इसको हटाने से पहले ऐड कर लो, वैसे तो यहाँ भी मैं कर सकता हूँ बट मैं ऐड ही करके करूँगा इसको, तो ये कितना का 2.5 पी अपॉन 4.5 क्यू इज इक्वल टू 25/51 या 25/51। तो जीरो से जीरो हटाइए, कितना बचा मेरे पास 25 पी अपॉन में 45 क्यू इज इक्वल टू 25/51 भाई, 25 से 25 कटा, सो 3 15 और 3 17, सो पी अपॉन क्यू कितना आ गया मेरे पास 15/17, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो दीज आर सम यूनिक क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर परसेंटेज। क्लियर? सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आपने करना ही ऑलरेडी, क्लियर है? और जिन बच्चों ने अभी तक माइक्रो कोर्स को ट्राई नहीं किया, प्लीज़ और प्लीज़ माइक्रो कोर्स को ट्राई कीजिए, बिकॉज ये एक यूनिक चीज़ है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे, क्लियर है? नेक्स्ट इज माई अभिपीडिया माइक्रोवर्स या माइक्रो कोर्स। चलो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूँ इसके बारे में बच्चों। देखिए लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी होगा आपके पास। चलिए, सो सबसे पहले चूज एग्जाम हिरस सीवी सी सेट हमारा सिविल सर्विस एग्जाम सी सेट, तो रेटिंग तो 5/5 भी मिलती है। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, टेस्ट कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, बट मुझे जाना है माइक्रोवर्स के ऊपर, आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना, बट मैं बता दूँ कल को जाना हो तो कैसे जाएं। देखिए आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ पे जैसे कंफर्टेबल हो कॉल मी या व्हाट्सएप, हमारी अभी पीडीए की टीम वैसे ही आपको कॉन्टैक्ट करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग इज दैट, देखो अब यहाँ पे क्या क्या है, जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, क्लियर है? अगर मैं इसकी बात करूँ बेसिकली, देखो इसमें क्या है, जैसे पूरा बटन 3657 का है, मत खरीदिए, मैं खुद कह रहा हूँ मत खरीदो, जो चीज़ की नीड है उसको खरीदिए। अब देखो जरा इसके अंदर दो तीन चीज़ें बड़ी अपडेटेड है, मैं आपको बताऊँ। देखो इसके अंदर सबसे पहली बात क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स डिविजिबल टू APJP यूनिट फैक्टर डिवाइजेशन एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। इसमें एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो क्या हुआ है, 21.88% क्वेश्चन इन मैथ एंड मेंटल एबिलिटी वर फ्रॉम दिस टॉपिक इन द प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट यही है, ये किसी को भी नहीं पता, बट यहाँ पे तकरीबन 22% प्रश्न ना नंबर सिस्टम से, यार क्या मिला नंबर सिस्टम में आपको,
सिर्फ और सिर्फ 311 रुपये में। अभी देखो ऑफ पे चल रहे हैं, वैसे 345 के 311 के मिल रहे हैं। क्या इसमें टाइम कम है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ जो आपके टॉपिक्स बचे हैं उसको ख़त्म कीजिए। देखो बेटा 311 रुपये में क्या मिल रहा है, 10 क्लास लेक्चर्स, क्लासी लेक्चर्स, मज़ेदार लेक्चर, जिसमें पूरा नंबर सिस्टम खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा। तो 22% नंबर सिक्योर कर सकते हो आप अपने एग्जाम के। डन। नो वेब नोट्स बेटा, मतलब सारे के सारे थ्योरी भी आपको मिल रहे हैं साथ में, प्लस 376 MCQs जिनको आप टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हो, जब खरीदोगे तो पता चलेगा। इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ सिंप्लीफिकेशन की, 15.23 112 रुपये का परसेंटेज की बात करूँ, जो हमने आज किया है 155 का है, 4 लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स हैं आपके पास और 231 MCQs हैं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा, प्लीज़ 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 इसको कीजिए। आप इसका 6 मिनट का ट्रायल भी ले सकते हैं पहले ट्रायल लेके देखो उसके बाद परचेज कीजिए, कोई जरूरत थोड़ी ना है कि क्लिक कर दे बहाना पे हो जाएगा, नहीं, पहले ट्रायल लीजिए, पसंद आए तो लीजिए, और मुझे पता है 100% 1000% आपको ये पसंद आएगा। क्लियर। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दैट। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और माइक्रो कोर्स का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।